वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना 1952 में वनयोगी बाला साहब देशपांडे ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ और जशपुर के राजा विजय भूषण देव जी के सहयोग से की। एक छोटे से छात्रावास के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ। पहले कुछ वर्ष जशपुर के आसपास के गांवों में और पश्चात उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कार्य विस्तार हुआ। 1978 के पश्चात कल्याण आश्रम के कार्य को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। वनवासी क्षेत्र में कई लोग कार्य कर रहे हैं, कोई संघर्ष के आधार पर तो कोई आंदोलन को लेकर कार्य कर रहा है। कल्याण आश्रम ने शुरू से ही सेवा को ही लक्ष्य रखते हुए कार्य विकसित किया, यही बाला साहब देशपांडे जी का मार्गदर्शन था। आज सेवा के माध्यम से 13,000 से अधिक स्थानों पर 19,000 से अधिक प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख शिक्षा प्रकल्प संख्या 4,562, आरोग्य प्रकल्प संख्या 4,015, आर्थिक विकास प्रकल्प संख्या 2,938, खेलकूद 2,317, श्रद्धा जागरण सत्संग केंद्र 5,170 और अन्य कई प्रकार के प्रकल्प एवं गतिविधियां 13,151 ग्राम समितियों द्वारा संचालित है। कार्य का प्रारंभ तू मैं एक रक्त अर्थात सेवा की भावना ही है और आज भी अपने कार्य का आधार सेवा कार्य ही है। हमारा विश्वास है कि सेवा के माध्यम से ही हम वनवासी समाज का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। आवश्यकता है वनवासी समाज को समझने की, उनकी पीड़ा समझने की। आपका एक छोटा सा प्रयास इस अंधेरे में दीपक जलाने का काम कर सकता है। आइए साथ चले। इस ध्येय पथ पर आज हम पथ पर आज